वेलकम बेक। राजकोटना परा पीपड़िया गाम पासे बनती एम्सना प्रारंभ साथे ज समग्र सौराष्ट्रना जरूरियातमंद दर्दीओने उच्च कक्षानी आरोग्य सुविधानो लाभ मळशे। एम्स निर्माणनी साइट विजिट करवा माटे शुक्रवारना रोज सांसद मोहन कुंडारिया आवी पहोंच्या हता अने एम्सना अधिकारीओ साथे बैठक करी निर्माणनो ताग मेळव्यो हतो। आ तके एम्सना डायरेक्टर डॉक्टर सीडीएस कटोचे जणाव्युं हतुं के डिसेम्बर 2021 में ओपीडी और जून 2022 आसपास अमे इंडोर पेशंट की सारवार करी शकीए ते माटे जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण थाय ते तरफ हाल अमारू फोकस छे। हाल नाइट शेल्टर पूर्णताने आरे छे जेमां ओपीडी शुरू कराशे। साथोसाथ आयुष ब्लॉकनी कामगीरी चाली रही छे ज्यां ईएनटी मेडिसिन गायनेक सर्जरी सहित विभाग की 30-50 जेटला बेडनी होस्पिटल प्रारंभ करवामां आवशे। त्यारबाद एकेडेमिक होस्टेल्स हाउसिंग ब्लॉकना निर्माण हाथ धराशे जे माटे जरूरी डॉक्टर्स मेडिकल टीम और अन्य स्टाफ की भर्ती तेमज इक्विपमेंट खरीदी माटेनी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी छे। अभी दिसंबर तक ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है ये नाइट शेल्टर का बिल्डिंग है, इसको हमने इसी बिल्डिंग में ओपीडी शुरू करनी है और हमारा लक्ष्य है दिसंबर तक हमारी ओपीडी शुरू हो जाएगी। उसके लिए पूरी कार्रवाई चल रही है। आगे स्पेशलिस्ट ओपीडी शुरू होगी जिसमें मेडिकल सर्जिकल आई ईएनटी गायनी और बाकी अगर हमें स्पेशलिस्ट मिल गए जिसकी रिक्रूटमेंट चल रही है तो वो ओपीडी भी हम साथ में शुरू कर देंगे। उसके इक्विपमेंट भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। अभी हमने 70+ जो फैकल्टी है उसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली है जिसका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक हो जाएगा। तो ऐसे अभी देखते हैं कितने सूटेबल मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं, बट हमें पूरी उम्मीद है कि जिसमें हमने अभी हाई एंड प्रोफेसर्स और वो नहीं मांगे हैं, हमने एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर मांगे हैं क्योंकि अभी शुरू में हमने काम शुरू करना तो उसके लिए आपको जोश वाला आदमी चाहिए। तो ये रिक्रूटमेंट देखो रिक्रूटमेंट का लास्ट डेट मिड जुलाई है तो उसके बाद एप्लीकेशन हम पूरी खोलेंगे फिर उनको स्क्रूटिनाइज करेंगे फिर उसका इंटरव्यू होगा फिर उसके बाद हम जो सेलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू निकालेंगे तो अगस्त तक वो अगस्त या सितंबर तक हम उनको डेट दे देंगे कि ज्वाइन कर लीजिए आप। पर जे टारगेट छे कि आवता डिसेम्बर नी अंदर हॉस्पिटल शुरू थाय ओपीडी शुरू थाय एना माटेनुं प्लानिंग करवामां आवेलुं छे। अत्यारे होस्टेल बिल्डिंगो होय जे दर्दीने साथे आवता एना वालीઓને રહેવા માટેના બિલ્ડિંગો હોય પછી અલગ અલગ બિલ્ડિંગો બનાવવાના જે કામો ત્યાં ચાલુ છે 60% કોઈ 70% 80% સુધીના બાંધકામો પૂર્ણ થયા છે અને જે ટાર્ગેટના સમય મર્યાદામાં આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાનો છે। સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી અગ્રીમતા ધરાવતો પ્રોજેક્ટ એટલે રાજકોટમાં નવ નિર્મિત થઈ રહેલી એમ્સ બિલ્ડિંગ। एम्स बिल्डिंग नु स्ट्रक्चर पण तैयार थई चुकी छे। हुं आपने दृश्य छे ते बतावानो प्रयत्न करीश। आजे राजकोट नी वात करवामां आवे तो राजकोट नी जे पासे आवेल जे परापीपड़िया गाम पासे जे के ज्यां एम्स नु निर्माण छे ते थवा जई रह्युं छे तेनी मुलाकात सांसद मोहन कुंडारिया द्वारा लेवामां आवी हती। एम्स ना डिरेक्टर पण हाजर रह्या हता अने अलग अलग प्रोजेक्ट ने लईने चर्चाओ अने मीटिंग पण करवामां आवी छे। राजकोट एम्स नी वात करवामां आवे तो आ एम्स नी जे होस्पिटल छे ते 2022 सुधी में लगभग 50 बेड छे ते शुरू थई जशे। ओपीडी पण शुरू करवामां आवशे। अलग अलग भवनोनुं पण निर्माण करवामां आवशे ने जेनुं आ स्ट्रक्चर पण आप दृश्योनी अंदर जोई शको छो। राजकोटनी वात करवामां आवे तो आ एम्स छे तेमां 750 जेटला बेड हशे अने 2023 सुधीमां तेनुं निर्माण पण तैयार थई जशे। 201 एकरनी अंदर लगभग अंदाजित 1200 करोड़ना खर्चे आ एम्स बनवानी छे ने तेनुं स्ट्रक्चर छे ते आप दृश्योनी अंदर जोई शको छो। अने तेने लईने खास आजे एक महत्वपूर्ण बैठक पण जे राजकोटना सांसद छे मोहन कुंडारिया तेमना द्वारा लेवामां आवी हती। एम्सना डायरेक्टर सहितना अधिकारीओ छे एम्सना तेओ पण आ बैठकनी अंदर सामेल हता। માત્ર સૌરાષ્ટ્રને સમગ્ર ગુજરાતનો એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ગણવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે જે એમ્સ છે તે પ્રથમ હશે ગુજરાતની અંદર પ્રથમ એમ્સનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે અને તે સદનસીબે રાજકોટની અંદર પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। કેમેરા પર્સન ધવલ ગોંડલિયા સાથે ગૌતમ ભેડા, વીટીવી ન્યૂઝ, રાજકોટ।